नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास, आपके साथ। द नागपुर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा गायनेकॉन 2022 तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें विदर्भ के कई बड़े डॉक्टर्स करेंगे शिरकत। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और हैपनिंग टुडे। मैं हूं मनीषा श्रीवास, आपके साथ। हाल ही में गायनेकॉन 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। मैडम, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और हमें बताइए इस पूरे कॉन्फ्रेंस के बारे में। मैं डॉक्टर वर्षा ढवे, मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी NOGS सोसाइटी की। एंड हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस तीन दिनों में हो रहा है, 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर। तो 30 सितंबर का जो पार्ट है कॉन्फ्रेंस का, वो है लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग एम्स के साथ में कोलैबोरेशन में ये कर रहे हैं। और एम्स में यहाँ पर फैकल्टी जो आ रही है, वो नेशनल फैकल्टी है। यहाँ पर जो फैकल्टी आ रही है, वो है डॉक्टर यशोधन डेका, जो कि आसाम एंड नॉर्दर्न साइड से है, डॉक्टर दीपक लिम्बाचिया, जो अहमदाबाद से आ रहे हैं, डॉक्टर जय मेहता, जो कि बहुत मशहूर है कॉम्प्लिकेटेड केसेस करने के लिए, मुंबई से आ रहे हैं, एंड डॉक्टर सुयश नवल है, जिन्होंने एक अलग तरीका निकाला है हिस्टेरेक्टॉमी करने का। साथ ही साथ में हमारे यहाँ के भी लोग रहने वाले हैं, जो लोकल नागपुर के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आशीष कुबड़े, डॉक्टर मनीष बाहेती, डॉक्टर संदीप निखाड़े, डॉक्टर प्रतीक खेरड़े, डॉक्टर अमोक चिमोटे और डॉक्टर रिया मंगतानी। हमने 20 से 25 ऐसे केसेस रखे हैं जो एम्स में हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड हाई रिस्क पेशेंट्स है। बिकॉज ये जो बाहर के सर्जन्स आ रहे हैं, ये सर्जन्स इसमें स्पेशलाइज करते हैं, तो हमें ऐसे लगा कि एम्स के जो पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स को इन डॉक्टर्स का फ़ायदा होना चाहिए और उनकी लाइफ भी अच्छी सुधरनी चाहिए। बिकॉज जो सर्जरीज डॉक्टर करने से कतराते हैं, तो ये जो हम बाहर से डॉक्टर्स बुला रहे हैं, ये डॉक्टर्स उनका हमेशा का ही ये सर्जरी करना होता है। तो हमें इस बार जॉइंट वेंचर एम्स के साथ में करके ये दिखाना था कि हम लोग कुछ पेशेंट्स को, जो कि 25-30 सर्जरीज होने वाली है, इन पेशेंट्स को उनका लाभ हो और साथ ही साथ में हमारे डॉक्टर्स का भी उसमें बहुत सारा सहभाग होना चाहिए। अच्छा, ये इनॉग्रेशन कौन से तारीख को रहने वाला है और कितने बजे शुरू होगा? प्रोग्राम का इनॉग्रेशन जो है, वो 1 तारीख को स्लेटेड है, सैटरडे को। इसमें हमारे चीफ गेस्ट जो है, वो डॉक्टर राजेंद्र सिंह परदेसी है। वो एक अभी महाराष्ट्र का एक OBGYN सोसाइटी रहता है, जिसको हम MOGS बोलते हैं, उसके प्रेसिडेंट अभी वो बन चुके हैं। जस्ट लास्ट वीक में ही उनका इंस्टॉलेशन औरंगाबाद में हुआ था और अभी ये उनका पहला प्रोग्राम रहेगा जो नागपुर में वो कर रहे हैं। तो ही इज़ अ चीफ गेस्ट ऑल्सो। और साथ ही साथ में हमारे NOGS के प्रेस्टिजियस ओरेशन भी रहने वाला है, तो वो एक ओरेशन भी वो यहाँ पे देने वाले हैं। री इंडिया से बात करने के लिए बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। आप क्या बताना चाहेंगे इस पूरे इनोग्रेशन के बारे में, पहले दिन क्या होने वाला है? मैं डॉक्टर संगीता ताजपुरिया, सेक्रेटरी ऑफ नागपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी। जैसे आपको मैडम ने बताया, हमारा ये कॉन्फ्रेंस तीन दिन का है, तो पहले दिन हम एम्स में वर्कशॉप ले रहे हैं। दूसरे और तीसरे दिन हमारा सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक होटल सेंटर पॉइंट में ये कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें लंच के पहले एक पार्ट है, लंच के बाद दूसरा पार्ट है। ऐसे चार पार्ट्स में हमारे कॉन्फ्रेंस को डिवाइड किया है। तो सैटरडे में जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, वो फिर से अलग टाइप का वर्कशॉप रहेगा, जिसमें दो टाइप के वर्कशॉप है। पहला वर्कशॉप है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, फिर से मतलब कॉस्मेटिक वर्ड्स को स्ट्रेस न करते हुए ये फंक्शनल गायनेकोलॉजी वर्कशॉप रहेगा, जो प्राइवेट पार्ट में जो प्रॉब्लम होती है, जो बताने में फीमेल्स इतनी खुल नहीं पाती है, तो उसके लिए क्या ऐसा करना जिसमें ऑपरेशन को हम न करते हुए फ़ायदा पा सके, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। बॉम्बे से डॉक्टर सेजल अजमेरा गायनेकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, इसमें डॉक्टर मनीष महाजन और डॉक्टर पारुल साहू जी नागपुर की हैं, जो इसके बारे में सारे डेलीगेट्स को बताएंगे। सेकेंड कॉन्फ्रेंस है एक्यूट लाइफ सेविंग इमरजेंसी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिलीवरी के वक्त माँ और बच्चे को जो बिना
बिना आप समझ लीजिए कि कोई हमको उसका सिग्नल नहीं आया, अचानक से बेबी का पैर आ गया या अचानक से बेबी का हाथ बाहर आ गया, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं थी, और ये सब सडन परिस्थिति सामने आ गई है, तो उसको कैसे लेना जिससे कि माँ और बच्चे को खतरा ना हो। तो इसके ऊपर हमारा पूरा 1.5 घंटे का एक डेडिकेटेड वर्कशॉप है जिसका नाम है एक्यूट लाइफ सेविंग इमरजेंसीज। जैसे कई बार डिलीवरी के समय अचानक से मदर का बीपी शूट होता है, उसके पहले कुछ नहीं होता है, तो उस समय उसको फिट आते हैं, तो उसको कैसे बचाव करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर उस वर्कशॉप में जोर दिया गया है। रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और हैपनिंग टुडे से बात करने के लिए थैंक यू। हमारे साथ कुछ और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी जानेंगे इस पूरे इनोग्रेशन के बारे में। मैडम, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और हमें बताइए कि आप क्या बताना चाहेंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर रुजुता फुके और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेडिकल में, जेएमसी नागपुर में, और मैं यहाँ पे ट्रेजरर हूँ। तो मैं आपको हमारी ये कॉन्फ्रेंस जो गायनेकॉन है, जो 1 और 2 अक्टूबर को यहाँ पे सेंटर पॉइंट में होने वाली है, उसके दूसरे दिन के बारे में बताती हूँ। तो दूसरे दिन में जो है पोस्ट लंच सेशन में हम मोस्टली डिबेट्स और क्वीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो डिबेट्स में हमारे यहाँ पे 4 टॉपिक्स है जिसपे हम डिबेट करने वाले हैं, और 8 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे जिसके फॉर और अगेंस्ट बात वो डिबेट करेंगे। और जो क्वीज़ है ये स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, और जो डिफरेंट कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस मैदर बके, वहाँ से इनका पार्टिसिपेशन रहेगा स्टूडेंट्स का, पीजी स्टूडेंट्स का। और उसमें हमारे पास अभी तक 6 एंट्रीज आ चुकी है, 6 कॉलेजेस की एंट्रीज आ चुकी है, और उनके लिए एकेडमिक क्वीज रहेगा, मतलब जो वो डे टू डे इसमें सीखते हैं करते हैं उसके लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वीज बनाई गई है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी होगी और एक सबके लिए काइंड ऑफ एकेडमिक एंड एंटरटेनमेंट ये रहेगा। तो ये इसी क्वीज हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे स्पेशली बना रहे हैं, और जिसकी जिसके हम ये भी देंगे 1st एंड 2nd प्राइजेस भी देंगे, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उनमें एंथू रहेगा पढ़ने का, और उनको थोड़ा सा इंकरेजमेंट भी मिलेगा। और इसके साथ में एक छोटा कैप्सूल नाम का हमने एक ये रखा हुआ एकेडमिक प्रोग्राम, जिसमें हम एक छोटे टॉपिक पे 5 लोगों के डिफरेंट कंडीशंस पे हम उनकी राय लेंगे, उनके ओपिनियन लेंगे। तो ये भी एक सेकेंड पार्ट में किया गया हुआ है। तो ये ऐसे सेकेंड डे का पोस्ट लंच सेशन इस तरह से रहेगा। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है, और आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ खास होने वाला है, और जो पूरा लाइव दिखाया जाता है उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि ताकि लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शांतला बोले, और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ NOGS की। बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो आपको बता ही दिया सब लोगों ने कि हमारे यहाँ पे वर्कशॉप्स होने वाले हैं, वर्कशॉप ने लाइव वर्कशॉप ऑपरेशन वाले, और 2 सैटरडे को 2 वर्कशॉप्स रहेंगे। साथ ही में हमारी ये कोशिश रही है कि कॉन्फ्रेंस में सारे टॉपिक्स कवर हो, सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन हो, रेंजिंग फ्रॉम वंदत्व यानी इनफर्टिलिटी, या जो कपल्स को बच्चे नहीं होते उनका क्या करना चाहिए, या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, बार बार बच्चे लूज करें उनका क्या करना चाहिए, साथ ही में सिजेरियन सेक्शन में कैसा रिस्क कम करना चाहिए, सिजेरियन सेक्शन का रेट कैसे कम कर सकते हैं, जेनेटिक्स के ऊपर टॉपिक्स है, और इवन बाकी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि औरतों को लेके, स्त्रियों को लेके और प्रेगनेंसी को लेके मैक्सिमम टॉपिक्स हम कवर कर सके इस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही में जो नए हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन कर रहे हैं उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रहेगा, जहाँ पे ये बताया जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और आप हॉस्पिटल का ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में अराउंड 6 ओरेशंस भी है, प्रेस्टिजियस ओरेशंस, जो मशहूर डॉक्टर्स वो डिलीवर करने वाले हैं। टोटल ऐसा आपको कितना क्या लगता है कि कितने डॉक्टर आने की उम्मीद है सभी डेलीगेट्स में? मुझे ख्याल से अभी मैडम बताएंगी, पर आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 500 to 600 डेलीगेट्स। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत थैंक यू सो मच। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।